हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मैं हूं अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां पर मैं बात करता हूं अमेजिंग फैक्ट्स की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये अभी नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए प्राउड की बात तो है ही, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाइना ने सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर बनाया है, जिसकी हाइट लगभग 328 फीट की है। और दोस्तों, ये जो उन्होंने टावर बनाया है, ये एंटी स्मोक टावर है। ये प्योरीफायर लगभग 10 मिलियन क्यूबिक मीटर की एयर को एवरी डे फ्रेश करता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए गहन चिंतन की भी बात है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ 5 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम और मैं आपको बताता हूँ 5 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी। चलिए आइए शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम न्यूज़ में चंद्रयान का नाम बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, क्योंकि हम वाकई उड़ चुके हैं और उड़कर पहुंचने वाले हैं चांद पर। लेकिन दोस्तों, हमसे पहले, बहुत पहले, अमेरिका ऑलरेडी मून पे पहुंच चुका है और वहां पर आपने इस तरह की तस्वीरें भी देखी होंगी, जहां पर उनका एस्ट्रोनॉट अमेरिका का झंडा वहां पर गाड़ भी चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने ये झंडा जब मून पे गाड़ा था, वो ज़मीन के सिर्फ 7 इंच नीचे तक घुस पाया था, और उनका जो अपोलो 11 का क्राफ्ट था वो इस झंडे से अप्रॉक्सीमेटली 27 फीट की दूरी पर था। और दोस्तों, आप जानते हो या ना जानते हो, ये बात जान लीजिए कि जिस टाइम पे उनका शटल वहाँ से वापस उड़ा था धरती आने के लिए, उस ब्लास्ट से ये वाला झंडा वहाँ से हट चुका है। ये बात शायद मीडिया में जनरली नहीं आती है और शायद ये वाला फैक्ट आपने पहले ना सुना हो। और अगर दोस्तों, अगर आपने पहले बात सुनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको ये मिथ लगता है तो भी दोस्तों मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, हमारा फैक्ट नंबर 4 जुड़ा हुआ है एक ऐसी कंट्री से जिसका नाम है डेनमार्क। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डेनमार्क पूरे ग्लोब में वो कंट्री है जिसका झंडा इस पूरी धरती पर सबसे पुराना है और आज तक चला आ रहा है। दोस्तों, डेनमार्क का जो झंडा है ये एग्जैक्टली 1219 का है। जी हाँ, 1219, और आज हम जी रहे हैं 2019 में। तो दोस्तों, ये सोच लीजिए कि डेनमार्क का जो झंडा है वो 1219 से आज 2019 तक वही झंडा चला आ रहा है। उन्होंने अपने झंडे में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ, और फैक्ट नंबर 3 हमारा जुड़ा हुआ है जॉन एफ कैनेडी से। दोस्तों, ये अमेरिका के बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट हैं, जो अपनी ड्यूटी पे मारे भी गए थे। दोस्तों, इनके तो किस्से बहुत ज़्यादा हैं, हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और वाकई ये शौकीन और लाजवाब पर्सन थे। इनकी शौकीनी और लाजवाबी का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों, कि जॉन एफ कैनेडी वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1200 क्यूबन सिगार उन्होंने खरीदे थे कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्हीं कुछ घंटों के बाद जॉन एफ कैनेडी वही प्रेसिडेंट है जिन्होंने क्यूबन सिगार्स की सेल अमेरिका के अंदर इलीगल कर दी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने फैक्ट नंबर 2 की तरफ, और हमारा फैक्ट नंबर 2 जुड़ा हुआ है मिस्टर चार्ली चैपलिन से। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की बात करें तो उन्होंने हिटलर को लेकर एक मजाकिया फिल्म बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने हिटलर का मजाक उड़ाया था। उस मूवी का नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। दोस्तों, ये वाली मूवी जो उन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी 1940 में, यानी कि भारत उस टाइम पे गुलामी था, हमें गुलामी से आज़ादी 1947 में मिली थी, उन्होंने 1940 में ये वाली मूवी बना दी थी। और अगर दोस्तों इस मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में पूरे का पूरा खर्चा चार्ली ने अपनी जेब से भरा था, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे अमेरिका में, उन्होंने इसमें पैसा लगाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जर्मनी को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे उनका जर्मनी से ऑलरेडी फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑलरेडी था। इसलिए ये वाली फिल्म चार्ली को अपने ही बलबूते पे बनानी पड़ी। और दोस्तों, ये वही मूवी है जो उनका मास्टरपीस मानी जाती है, और ये उस टाइम की बहुत सुपर डुपर हिट थी। तो दोस्तों, आपको भी अगर टाइम मिले और पुरानी यादें ताज़ा करना चाहें, तो आप ये चार्ली चैपलिन की ये वाली मूवी ज़रूर देखिएगा, द ग्रेट डिक्टेटर। और दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की तरफ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, आप बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा फैक्ट नंबर 1 जो जुड़ा हुआ है, ये भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, अमेरिका एक्सपेरिमेंट्स की होड़ में इतना अंधा हो चुका था कि उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि वो लोग
चांद के ऊपर एक बार अटोमिक बम ब्लास्ट करके देखेंगे कि चांद का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये वाली चीज़ को मंजूरी नहीं मिली और फाइनली इसका विरोध किया गया ऑल ओवर द ग्लोब और इस वाले एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। Hello.